and if it is false, anyway, cannot be the answer. See, non-cash revenue and net change in working capital are ignored. Price to cash flow ratios are not as volatile as price to earning multiples. तो अगर पहला बात है पी रेशियो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल था बोले थे तो ये ट्रू स्टेटमेंट है और प्लस अगर ये तो कुछ शक है कि ये ट्रू है कि नहीं है सपोज को नहीं पता तो अगर ये बोल अगर ये मान लेते हैं ट्रू है प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो नॉट एज वॉलेटाइल तो ये इसका बड़ाई है कि बुराई है बड़ाई लेके आओ कैन नॉट बी द आंसर बाय कॉमन सेंस सपोज आई डोंट नो नॉलेज वाइज लेके आओ लेके आओ लेके आओ उसका लेस वॉलेटाइल आई डोंट नो एंड देयरफॉर आई एम स्टक अप देयर इज नो रीजन टू बी बुराई है बड़ाई कैन नॉट बी द आंसर बाय कॉमन सेंस सपोज आई डोंट नो नॉलेज वाइज price to cash flow is more volatile or less volatile, I don't know. And therefore, I'm stuck up. There's no reason to be stuck up. If it is true, can it be the answer? No. See, non-cash revenue and net change in working capital are ignored when using...